सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी का रिजल्ट जो है ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने जो इसका जो है कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2021 रिजल्ट पब्लिश ऑन थर्सडे 22 जुलाई 2021 शाम 4 बजे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आपका रिजल्ट का वाला अब ओपन होने लगा है। तो आप लोग अब फटाफट हमारे दिए हुए डायरेक्ट लिंक से अपने यहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपने जो है यहाँ पर स्टेशन नंबर से अपना रिजल्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए हम आएंगे मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पर मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों आपको इसके सिंपली पहले डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेना है यहाँ से। तो सर्वप्रथम यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप साइड मोड पर करेंगे उसके बाद यहाँ से ताकि हमारा साइड अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यू हो। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेब रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है wbresults.nic.in। इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि न्यू करके अभी ये शो होने लगा है। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2021 क्या करना है, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप पहले वाले और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है दोस्तों ये माध्यमिक वाला है। आप यहाँ से अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो माध्यमिक परीक्षा का भी यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, बट ये अभी अभी यहाँ पर शो हुआ है इसलिए आप सभी इसे अभी अभी यहाँ से डाउनलोड करना आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर 4 बजे का टाइम दिया था। तो यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ से अपना रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर यहाँ पर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल करके रखें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर समय पर मिलती रहे।